मूविंग ऑन मैं आपको अभी सारी दिखा देती हूँ कि मुझे सॉरी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इन टूडेज वीडियो आई बी शेयरिंग विद यू अमेजोन साड़ी रिव्यू। सो दिस इज द साड़ी विच आई ऑर्डर रिसेंटली। सो इन टूडेज वीडियो विल बी सीइंग डज दैट साड़ी लुक एग्जैक्टली द सेम एज इट वॉज शोन ऑन द वेबसाइट और नॉट, एंड ऑल्सो द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई विल बी डूइंग अ ट्राई ऑन पार्ट एज वेल एट द एंड। सो जस्ट रिमेंबर टू स्टिक टू दिस वीडियो टिल द एंड टू सी हाउ डज इट लुक ऑन वेयरिंग इट। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो दिस इज़ द साड़ी विच आई हैव रिसीव्ड। सो साड़ी खोलने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वेबसाइट पे क्या क्या लिखा था, इसका मटेरियल कैसा है। सो मैं साइड में एक स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूँगी जो वेबसाइट पे फ़ोटो दिया था। तो मैंने इस बुक में सब लिख लिया है अभी, तो लेट्स सी कि वेबसाइट पे क्या क्या लिखा हुआ था। तो दिस साड़ी इज़ बाय अ ब्रांड कॉल्ड यशिका। सो इट इज़ देयर यशिका जॉर्जेट साड़ी विद ब्लाउज पीस। इसका बेस्ट पार्ट यही है गाइस कि इसके साथ ब्लाउज पीस भी दे रहे हैं आपको। सो आपको अलग से कोई ब्लाउज स्टिच नहीं करवाना पड़ेगा, विच आई रियली लाइक। और इसमें और 4 कलर्स अवेलेबल है। मैंने इसे ऑर्डर किया है पीच पिंक कलर में। इसमें और 4 कलर्स है जो कि है ब्लू, येल्लो, ऑरेंज और पिंक भी है इसमें। सो ये बहुत एक ओम्ब्रे इफेक्ट वाली साड़ी है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है इसका ओम्ब्रे इफेक्ट, लाइट से लेके डार्क शेड होता हुआ आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है कलर। सो बाकी जो सब कलर्स है ब्लू, येलो, पिंक और ऑरेंज वाला, उसमें सब में सेम कलर है, जस्ट लाइट हो रहा है। पर इसमें जो 5th कलर है लाइक पीच पिंक कलर है, ये एक ही शेड है जिसमें 2 अलग शेड्स मिल रहा है आपको। लाइक ऊपर से पीच है और नीचे से थोड़ा डार्क पिंक का शेड है जो बहुत ज़्यादा सुंदर कलर है। लाइक इसका कलर मुझे काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैंने साड़ी ऑर्डर किया है। फिर आता है इसका प्राइस। इसका प्राइस ओरिजिनली था 2249 और आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे मिला है 649 का, विच इज़ अ ग्रेट डील आई थिंक इस साड़ी के लिए। सो दिस इज़ हाउ द साड़ी इज़ लुकिंग। लाइक आप देख सकते हैं, मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने अभी तक इसे पूरा ओपन नहीं किया है गाइस। सो ये मुझे इस प्लास्टिक रैप में रिसीव हुआ था, इस प्लास्टिक रैप में और बॉक्स के अंदर रिसीव हुआ था। सो जो एक बेसिकली अमेज़ॉन की पैकेजिंग होती है उसमें ये मुझे रिसीव हुआ था, वेरी डिसेंट पैकेजिंग। तो लेट्स सी कि इसका फैब्रिक कैसा है और ये कैसा दिखता है। सो यू कैन सी दिस इज़ लाइक अ जॉर्जेट फैब्रिक और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइज। मतलब इस टॉप के साथ भी इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इस पर सिर्फ बॉर्डर पर वर्क किया हुआ है, बाकी सारी पूरी प्लेन है। और ये 6 मीटर की साड़ी है जैसे वेबसाइट पे लिखा था। ये साड़ी मुझे इसीलिए बहुत पसंद आई थी वेबसाइट पे भी, क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और आप भी देख सकते हैं कि कैमरे पे भी इसका कलर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। रियल में भी इसका कलर सेम है जो कैमरे पे दिख रहा है। इसका फैब्रिक जॉर्जेट का है और काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, आपके स्किन पे बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है इसका और इस पर सिर्फ बॉर्डर पे आपको वर्क मिलेगा और बॉर्डर इसका कुछ इस तरीके से दिखता है। लाइक आप देख सकते हैं कि इस पर सिर्फ मोतियों का काम है, बॉर्डर पे थ्रेड वर्क दिया हुआ है, मोतियों का काम है और मिरर भी दिया हुआ है इस पर, मिरर वर्क्स भी दिए हुए। तो पूरी साड़ी में सिर्फ ये बॉर्डर ही है जो हाईलाइट हो रहा है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आप इसे एज अ पल्लू एक साइड पे भी लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, आप देख सकते हैं। और इसका ये पीच कलर जो है वो ओम्ब्रे इफेक्ट होते होते ऐसे पिंक शेड में बदल जाता है, तो इसका कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा। और मैंने ये बात मुझे पता है कि बहुत बार बोल चुकी हूँ इस वीडियो में, बट फिर भी मुझे इसका कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है गाइज। आप देख सकते हैं कि इसका कलर का शेड ओम्ब्रे होते होते कितना ज़्यादा सुंदर और कितना रिच लुक दे रहा है पूरा। और इस पर सिर्फ बॉर्डर पर वर्क है तो ये पहनने पे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और इसका बॉर्डर का जो थिकनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, मुझे ज़्यादा थिक बॉर्डर्स भी नहीं अच्छे लगते और ज़्यादा पतले बॉर्डर भी नहीं अच्छे लगते, तो ये बहुत ऐसे मीडियम सा बॉर्डर है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये साड़ी अगर आप चनिया चोली स्टाइल में पहनेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा, बिकॉज का कलर काफ़ी अच्छा है। सो ये है उसका ब्लाउज़, ये इसके साथ ही अटैच्ड है यहाँ से, तो आपको इसे कटवाना पड़ेगा और इसका ब्लाउज़ पीस आप बना सकते हैं। सो इसका ब्लाउज़ भी काफ़ी भरा हुआ आया है गाइज़। लाइक आप देख सकते हैं कि इसके ब्लाउज़ पे भी काफ़ी वर्क है,
लाइक इसका फ्रंट साइड जो है ब्लाउज़ का और इसका बैक साइड जो है ब्लाउज़ का अगर आप देखें तो काफ़ी वर्क दिया हुआ है। और ये स्लीव्स का पैटर्न भी दिया है यहाँ पे स्लीव्स के लिए, और स्लीव्स पे भी काफ़ी वर्क है अगर आप देखेंगे, मतलब 3/4 स्लीव्स दिखाया था पिक्चर में, फैब्रिक दिया है तो आप 3/4 स्लीव्स का पैटर्न वाला ब्लाउज़ बनवा सकते हैं इससे, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा ये ब्लाउज़ बनने के बाद, क्योंकि ब्लाउज़ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्क दिया हुआ है। लाइक आप देख सकते हैं कि इस पे थ्रेड वर्क दिया हुआ है, यहाँ पे थ्रेड के ऐसे रोज़ टाइप बने हुए गुलाब जैसा बना हुआ है, उस पर पूरा थ्रेड वर्क दिया हुआ है हनीकॉम पैटर्न में, और इस पे मिरर वर्क भी है यहाँ पे। सो ये आपके स्लीव्स पे आ जाएगा। सो अगर आप ब्लाउज़ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो काफ़ी सुंदर दिया हुआ है, गले का डिज़ाइन दिया हुआ है पैटर्न में इसके, आपको गले के डिज़ाइन के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, काफ़ी अच्छा गले का डिज़ाइन दिया हुआ है। इस पर भी सेम मिरर वर्क और मोतियों का काम दिया हुआ है, और बीच बीच में इस पर मिरर वर्क दिया हुआ है। इसका ये फ्रंट का भी पैटर्न यही सेम है, और बैक में भी इसके पैटर्न है, लाइक यू कैन सी इतना दिया है ब्लाउज़ का फैब्रिक इन्होंने। बट इसका जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो जॉर्जेट का नहीं है, वो थोड़ा स्टिफ है। मुझे आई डोंट नो कि इस मटेरियल को क्या बोलते हैं, मैं मेरी मम्मी या दादी से पूछ के ज़रूर मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे कि इस कपड़े को क्या बोलते हैं। तो इसका फैब्रिक थोड़ा थिक है, इसमें आपको अस्तर लगवाना पड़ेगा बिकॉज़ ये सी थ्रू है ब्लाउज़ इसीलिए। और अगर मुझे इस साड़ी को 10 में से रेट करना हो तो मैं इसे 8.5 या 9 भी दूंगी। मैं एक पॉइंट से इसीलिए रिड्यूस कर रही हूँ बिकॉज़ इसमें मनी वर्क थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू द इमेज, वरना अगर मैंने सिर्फ ये साड़ी देखी होती विदाउट द इमेज तो मैं इसको फुल 10 या उससे भी ज़्यादा दे देती बिकॉज़ मुझे साड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आई है, जस्ट बिकॉज़ कि वो इमेज में थोड़ा ज़्यादा उसमें वर्क था इसीलिए मैं इसका एक पॉइंट रिड्यूस कर रही हूँ, वरना ये साड़ी बहुत सुंदर है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका कलर और इसका मटेरियल और इसका बॉर्डर भी। सो गाइस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्राई ऑन पार्ट एंड सी कि ये साड़ी मुझ पे वेयर करने के बाद कैसी लग रही है। सो लेट्स गो। If you did then don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such videos, and also please follow me on Instagram as well. So I will see you next video, till then bye.